जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं, जो से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि सड़क को खाली कर दे आप लोग। खैर, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ वसीम खान और अभी मैं गांधी मैदान जेपी गोलम्बर के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो डंडा बल जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि छात्रों का जो हुजूम है महाआंदोलन के रूप में सामने से चला आ रहा है और इसे रोकने के लिए तमाम जो डंडा बल है और पटना पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ काफ़ी मुस्तैदी से तैनात है और इन्हें यहीं पर रोकने का प्रयास भी किया जाएगा। और देख सकते हैं ये तमाम जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि बिहार पुलिस बहाली में धांधली हुई है और दरोगा जो बहाली है उस पर भी धांधली की गई है और इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो आक्रोशित दिख रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ और हाथ में आप देख सकते हैं जो कंप्लेंट है उस पर साफ साफ जो लिखा हुआ है प्रतियोगी परीक्षा में धांधली बंद करो, ये तमाम चीज़ें हैं। 11 सूत्री मांगों को लेकर ये जो छात्र हैं वो उतरे हैं सड़कों पर और आप देख सकते हैं जो डंडा बल है जो पटना पुलिस के जवान हैं इन्हें समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और बैरिकेडिंग लगाई गई है, हालांकि लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। हम लोग का जितना भी एग्जाम होता है बिहार में सर, न OMR सीट दिया जाता है न उसका कॉमन कॉपी दिया जाता है। ऐसा रिजल्ट है कि पूरा सीरियल से 200 रिजल्ट सीरियल जाता है। अब हम लोग की मांग है कि पारदर्शिता, आप एग्जाम जैसे भी लो, ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, लेकिन तो आप देख सकते हैं जो छात्र हैं अब वो रोड पर ही बैठ गए धरने पर और ये लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके और इनकी मांग है कि ये तमाम जो परीक्षाओं में धांधली होती है उसकी CBI जांच हो और छात्र जो है वो बेशक आज जो है इकट्ठा होकर पटना की सड़कों पर उतरे हैं और पटना पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि इन्हें यहीं पर रोक लिया जाए, क्योंकि अगर आगे ये बढ़ते हैं तो विधि व्यवस्था जो है उन्हें कहीं ना कहीं अफेक्ट पहुँचेगा और यही कारण है कि इन्हें यहीं पर रोकने का प्रयास पटना पुलिस भी करेगी। मगर कार्य जो छात्र हैं जो युवा हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये एक तस्वीर है, हम फिर से आपको पुनः एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर तमाम जो डंडा बल के जवान हैं वो यहां पर हैं, पटना पुलिस के जवान हैं और इन छात्रों को यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ते हैं तो विधि व्यवस्था को कहीं ना कहीं अफेक्ट पहुँचेगा। हालाँकि ये निकले हैं मन बनाकर ये मुख्यमंत्री आवास को घेरने और देख सकते हैं अब किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तालियां बजा कर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और CBI जांच की मांग कर रहे हैं, जो बिहार पुलिस बहाली को लेकर इनका कहना है, ये आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हो रही है और यह भी कह रहे हैं कि दरोगा परीक्षा में भी धांधली हुई है। इन तमाम तस्वीरों को हम सीधा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पटना पुलिस के जवान जो है वो लगातार समझा रहे हैं और इन्हें समझा कर यहीं से वापस भेजने की कोशिश भी की जा रही है, मगर जो नारेबाजी है वो बेशक चल रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में दरोगा बहाली में धांधली की CBI जांच कराओ, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद करो, ये तमाम जो पैम्पलेट हैं ये छात्रों के हाथ में आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे और यही कारण है कि आज ये पूरा हुजूम जो है वो पटना के सड़कों पर आपको दिखाई देगा। हालांकि पटना पुलिस के जो जवान हैं वो काफ़ी मुस्तैदी से इन तमाम छात्रों को रोकने के लिए तैयार है और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। खैर, आगे जो कुछ भी होगा हम तमाम तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।